अयोध्या के लखनऊ गोरखपुर हाईवे NH 27 रौनाही टोल प्लाजा के पास पशु तस्करों की सूचना पर पुलिस चेकिंग के दौरान बड़ी घटना घटित हो गई। पशु तस्करों के वाहन को चेक कर रही पुलिस टीम पर ट्रक की टक्कर से एक व्यापारी की मौत हो गई, तो वहीं चेकिंग कर रहे एक दरोगा गजेंद्र, सिपाही उपेंद्र, ट्रक ड्राइवर रूप नारायण बुरी तरह से घायल हो गए। हुआ यूं कि पुलिस टीम को सूचना मिली कि पशु तस्कर एक ट्रक में कुछ पशुओं की तस्करी कर रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने NH 27 पर चेकिंग लगाई और पशुओं से लदे ट्रक को रोक लिया। अभी पुलिस टीम ट्रक के साथ चल रहे व्यापारी के कागजात को चेक कर रही थी कि तभी पीछे से एक दूसरी तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें जानवरों को खरीद फरोख्त करने वाले व्यापारी नूर मोहम्मद की मौत हो गई। चेकिंग कर रहे एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही के अलावा ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक व्यापारी हरदोई जनपद का निवासी था। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां सिपाही की नाजुक हालत को देखते हुए उसे लखनऊ रेफर किया गया। दोनों ट्रकों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पीछे से आने वाले ट्रक का चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। मामले की जानकारी देते हुए CO सदर RK चतुर्वेदी ने बताया कि सिपाही उपेंद्र को लखनऊ रेफर किया गया है। घायल दरोगा और ट्रक ड्राइवर का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आज शाम तकरीबन 8 बजे रौनाही पुलिस को सूचना मिली कि जानवरों से भरी एक अवैध ट्रक फैजाबाद से लखनऊ की तरफ जा रही है, जिस पर थाना क्षेत्र में चेकिंग लगा दी गई। चेकिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर गजेंद्र खरवार, रिक्रूट कांस्टेबल उपेंद्र यादव जब ट्रक को चेक कर रहे थे, उस ट्रक को पीछे से दूसरी ट्रक ने धक्का मार दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर गजेंद्र खरवार, रिक्रूट कांस्टेबल उपेंद्र यादव, ट्रक का ड्राइवर रूप नारायण और ट्रक में सवार नूर मोहम्मद घायल हो गए। चारों घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान नूर मोहम्मद की डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। रिक्रूट कांस्टेबल उपेंद्र यादव गंभीर होने के कारण उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। रूप नारायण और समिट पर गजेंद्र खरवार का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। FIR पंजीकृत साक्ष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।